यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट। देखिए, हम लोग अभी पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे थे डिस्टिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस बताई थी, जिसमें आपने ये देखा था कि हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर में से एसीटोन और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पर, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट के जो उनके बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डिफरेंस था। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट था 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों के इस डिफरेंस के कारण, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के कारण, हमने उनको सेपरेट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन। इसके बाद में मैंने आपको सेवंथ प्रोसेस बताई थी। सेवंथ प्रोसेस में आपने ये देखा था कि हमने बना था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस था? डिस्टिलेशन प्रोसेस वहां पर यूज करते थे जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस वहां पर यूज की जाती है जहां पर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं। जहां पर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होते हैं, वहां पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। अब देखिए, फिर से मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही बता रहा हूं, लेकिन कल जो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्कस किया था वो था मिसिबल लिक्विड के लिए। वो किसके लिए था? मिसिबल लिक्विड के लिए। ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और उनको एक मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताऊंगा किसका? गैसेस का, ऑफ एयर। देखिए, एयर के अंदर गैसेज है। एयर के अंदर क्या है? गैसेज है। तो उन गैसेज का मैं कॉम्पोजिशन लिखता हूं, तो आप क्या बोल सकते हैं? एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। मोस्टली ये तीन गैसें होती हैं, मोस्टली ये तीन गैसेज मिलती हैं। लगभग 78% नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेट 78% नाइट्रोजन होती है, और लगभग 20.9 लिखा जाता है इसको, 20.9%, या हम इसको लगभग कितना मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता देता हूँ, लगभग ये होगा 21%। तो नाइट्रोजन है 78, ऑक्सीजन है 21, और इसकी क्वांटिटी होती है लगभग 0.01%, 0.01%। और बाकी सब जो गैसेज हैं, उनकी क्वांटिटीज है स्मॉल, जैसे कि CO2 हो गया, और वाटर वेपर भी तो है एयर के अंदर, वाटर वेपर भी है, तो उसकी क्वांटिटी भी कैसी? उसकी क्वांटिटी भी बहुत स्मॉल है। तो मोस्टली इस मिक्सचर के अंदर आपको तीन गैसेज मिलेंगे। किस मिक्सचर के अंदर? एयर के मिक्सचर। किसके मिक्सचर में? एयर के मिक्सचर में। जो आर्गन है वो 0.93 है, 0.93 अप्रोक्सीमेट, आप इसको बोल सकते हैं 1%, लगभग 1% ये आर्गन है। ओके, हियर दिस इज अप्रोक्सीमेशन। तो देखिए, एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि गैसेस कंप्लीटली मिक्सअप है, गैसेज एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप है, ट्रांसपेरेंट गैसेज है, हमें दिखाई नहीं देती हमारे आसपास। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन गैसेज है, ये दिखाई नहीं देती। तो मोस्टली इसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन तीन गैसेज है। मैंने आपको बताया इसके अंदर CO2 गैस भी है, हीलियम गैस भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी में वाटर भी है, वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उनका परसेंटेज बहुत कम, है। तो मेनली हम इन तीन गैसेज को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द एयर। एयर एक मिक्सचर है, इसमें से हम इन तीन गैसेस को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। अब किसके बेसिस पर सेपरेट करेंगे? तो आंसर है बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पर। तो मैं आपको इनके बॉइलिंग पॉइंट बता देता हूं। सबसे पहले मैं इधर एक गैस लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं बॉइलिंग पॉइंट। तीन गैसेस है हमारे पास। सबसे पहले गैस हम लिखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -196 डिग्री सेल्सियस।
सेकंड इज आर्गन, आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस एंड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा -183 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट से आपको ये समझाना चाहिए कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर गैस लिक्विड, जिस पर ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन और आर्गन लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस स्टेट। तो अगर टेम्परेचर हम -200 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें या -200 डिग्री सेल्सियस कर दें तो ये तीनों ही किस में आ जाएंगे, ये तीनों ही लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारा सबसे पहला वर्क ये होगा कि हमें इन तीनों गैसेस को लिक्विड स्टेट में लाना, हमें इन तीनों गैसेस को लिक्विड स्टेट में लाना है। तो मैंने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, ये भी लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड आर्गन है, लिक्विड ऑक्सीजन है। अब मैं इनको बॉइल करूंगा, अब मैं इनको गर्म करूंगा। तो जैसे मैं इनको हीटअप करूंगा, गर्म करूंगा, तो बताइए सबसे पहले कौन गैस में कन्वर्ट होगा, तीनों ही लिक्विड स्टेट। मैंने इन तीनों का टेम्परेचर कितना कर दिया, तीनों का टेम्परेचर कर दिया -200 डिग्री सेल्सियस। अब सभी लिक्विड स्टेट के अंदर है। अब मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं, कैसे राइज होगा देखिए, -199, 198, 197, 196। जैसे ही -196 होगा, सबसे पहले उस मिक्सचर में से लिक्विड में से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेपरेट हो गई। उसके बाद और गर्म करेंगे उसको, फिर -196 से इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा देंगे, +10 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -186। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही फिर आर्गन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन गैस -183 डिग्री सेल्सियस पे आते ही ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी -200 डिग्री सेल्सियस पर। तीनों ही लिक्विड होंगे तो जैसे ही हम इनको हीटअप करेंगे -196 टेम्परेचर आते ही ये गैस में कन्वर्ट होगा, -186 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही ये गैस में कन्वर्ट होगा। फिर लास्ट में ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते ही ये भी गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा इसमें वर्क क्या रहेगा, सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर, कैसे सेपरेशन करेंगे इन कॉम्पोनेंट्स का विद द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। देखिए फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन की तो अलग कर रहे हैं, इनके पार्ट की तो अलग कर रहे हैं। एयर के अंदर ये तीन गैसेस थी, तो मैंने सबसे पहले इन तीन गैसेस को इतना ठंडा कर दिया कि ये तीनों ही लिक्विड स्टेट में आ गए, -200 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर और ये तीनों ही लिक्विड स्टेट में। अब मैं इनको बॉइल करूंगा, डिस्टिलेशन में यही तो बताया था मैंने आपको कि सब्सटेंस को हीटअप किया जाता है, गर्म किया जाता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के कारण वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं बॉइल करूंगा, पहले नाइट्रोजन बॉइल हो जाएगी और गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर आर्गन जो है, आर्गन गैस जो है वो बॉइल हो जाएगी -186 पर और ऑक्सीजन हो जाएगी -183 डिग्री सेल्सियस। अब ये कैसे किया जाता है तो उसके बारे में सुनिए। तो इसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस का। कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। तो मैं यहां पर आपको वो प्रोसेस बता देता हूं पहले, फिर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे कि डायग्राम में क्या क्या ऑपरेटर्स हमें यूज करने पड़ेंगे। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जनरली लेबोरेटरी के अंदर इसको नहीं किया जा सकता। देखिए हमारे पास एक सिलेंडर है, दो तीन बातें पहले समझ लीजिए। इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ, ये एक पिस्टन लगा हुआ है और ये इसका हैंडल है। जब मैं इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, कंप्रेशन, तब क्या होगा, कंप्रेशन। ऐसा नीचे लेकर के जाऊंगा तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं, ये गैस के पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। अगर पास पास आ जाएंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब मैं इसको दबाऊंगा तो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा। ओके, अब इसके बाद अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, जब मैं इस पिस्टन को अचानक से ऊपर की तरफ खींच देता हूं तो इसको बोलते हैं सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन में क्या होती है, इसमें हीटिंग हो रही है, कंप्रेशन में वो गर्म हो रहे हैं, तो एक्सपेंशन में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा। एक्सपेंशन में क्या होगी, कूलिंग।
एक्सपेंशन में क्या होगी, कूलिंग। तो पहले गैस को हम कंप्रेस करेंगे, फिर अचानक से एक्सपेंड कर देंगे, अचानक से सडन एक्सपेंशन करेंगे। सडन एक्सपेंशन करने पर क्या हो जाएगी, कूलिंग हो जाएगी। तो दो बातें याद कर लीजिए, कंप्रेशन में गैस जो है वो गर्म हो जाएगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंप्रेशन में, और अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो कूलिंग होती है। हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर या हमारे एयर कंडीशनर के अंदर, घर पर जो रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है, उन दोनों के अंदर यही तो लगा हुआ है, कंप्रेसर भी तो लगा हुआ है। कंप्रेसर, ये वर्ड आपने सुना होगा, कंप्रेसर क्या करता है, पहले गैस को कंप्रेस करता है, फिर क्या करता है, फिर सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन के कारण उसके अंदर जो भी गैस है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन सीएफसी जो गैसेज है उसके अंदर, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कूल हो जाती है, जिसकी वजह से एयर कंडीशनर और हमारे जो रेफ्रिजरेटर है वो वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसर। तो एक कंप्रेसर का यूज करना पड़ेगा एयर को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, एयर को लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। अब स्टूडेंट्स आप 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। जस्ट वेट, हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं। दिस इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ गैसेज ऑफ एयर। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे किसका, गैसेज का जो कहां पर प्रेजेंट है, जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया एयर एक मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेज का, उसमें नाइट्रोजन आर्गन और ऑक्सीजन मोस्टली, इसमें 3 गैसेज है मेन क्वांटिटी में। तो हम इन 3 गैसेज को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने यहां पर क्या कर रखा है, एक एयर फिल्टर लगा रखा है, यहां से एयर एंटर करेगी इसमें। फिल्टर, फिल्टर का काम क्या होता है, फिल्टरेशन करना। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टरेशन करना। अब फिल्टरेशन करना जरूरी क्यों है, उसका रीजन ये है कि जो डस्ट है या जो वाटर वेपर है उसको यहां से सेपरेट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम आगे जाकर के इसको ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो कूल डाउन करने के बाद, ठंडा करने के बाद जो वाटर है वो तो इन पाइप्स के अंदर क्या हो जाएगा, इन पाइप को ब्लॉक कर देगा। अगर वाटर यहां पर आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये पाइप ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को भी सेपरेट करना जरूरी है, वो यहां पर जाकर के सेपरेट होगी। अभी हम सिर्फ किसको सेपरेट कर रहे हैं, फिल्टर की हेल्प से। फिल्टर की हेल्प से अभी सिर्फ 2 चीजों को सेपरेट किया जा रहा है, वाटर वेपर एंड डस्ट। तो एयर फिल्टर का क्या काम है, वाटर वेपर और डस्ट को सेपरेट कर देगा। अब यहां पर सिर्फ एयर आगे बढ़ेगी, एयर जिसके अंदर 3 गैसेज होंगी, नाइट्रोजन आर्गन एंड ऑक्सीजन, ये 3 गैसेज आगे बढ़ेंगी और एक गैस और होगी इसके अंदर CO2। अभी CO2 भी इसके अंदर है तो CO2 को भी सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं CO2 सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद में क्या हो जाएगी, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो CO2 गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ड्राई आइस। तो ये भी पाइप को क्या कर देगी, ये भी पाइप को ब्लॉक कर देगी, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले सेपरेट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है, एयर फिल्टर में से पास आउट होगी, यहां पर 2 सब्सटेंसेस अलग हो जाएंगे, क्या क्या, वाटर वेपर एंड डस्ट। तो वाटर वेपर और डस्ट को यहां पर फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद एक एयर, यहां से एयर अंदर की तरफ जा रही है, उस एयर में नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन CO2, ये 4 गैसेज है, ये 4 गैसेज आगे जाकर के इस चैम्बर में आते हैं। यहां पर क्या किया जा रहा है, एयर अंडर प्रेशर, देखिए एक पिस्टन इस तरफ लगा हुआ है, दूसरा पिस्टन इस तरफ लगा हुआ है, ये दोनों पिस्टन अंदर की तरफ जाएंगे तो कंप्रेशन होगा, ये दोनों पिस्टन जब अंदर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे। तो यहां पर एयर कंप्रेस होगी, ये जो चैम्बर दिखा रखा है इस चैम्बर के अंदर एयर कंप्रेशन किया जा रहा है, तो दोनों तरफ से पिस्टन को दबा करके एयर कंप्रेशन करेंगे। कंप्रेस करने पर क्या बताया था मैंने, टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होता है तो मतलब कि ये जो एयर थी ये क्या हो जाएगी, हॉट एयर, ये गर्म हो जाएगी। अब ये जो हॉट एयर है ये आगे की तरफ इस पाइप में ऐसा फ्लो कर रही है, ये हॉट एयर आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब इस चैम्बर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे, इस चैम्बर में क्या करेंगे, कूलिंग। कूलिंग कैसे की जाएगी, तो यहां पर हमने क्या कर रखा है, एक स्पाइरल पाइप लगा रखा है, ये ऐसा स्पाइरल पाइप लगा रखा है, और इसके अंदर क्या फ्लो कर रहे हैं हम, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, इसमें एकदम चिल्ड ठंडा पानी, बिल्कुल कोल्ड वाटर इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लो कर रहे हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो कोल्ड वाटर को यहाँ पर ऐसा फ्लो किया जा रहा है, ये वाटर इसमें फ्लो होता जा रहा है, दूसरी तरफ से वाटर बाहर आ रहा है। अब इसके आसपास जो भी एयर होगी, देखिए इस चैम्बर से हॉट एयर आ रही है, गर्म एयर आ रही है, गर्म एयर यहां पर आएगी, यहां पर आने के बाद ये इसके पाइप के कॉन्टेक्ट में, पाइप के कॉन्टेक्ट में आएगी, तो ये तो कोल्ड है, चिल्ड है, तो ये क्या करेगा, हॉट एयर से एनर्जी पाइप में चली जाएगी,
और वाटर यहाँ से फ्लो होते होते दूसरी तरफ से गर्म होकर के बाहर निकलेगा। इस वाटर ने एनर्जी कहाँ से ली? इस वाटर ने एनर्जी ली किससे? हॉट एयर से, गर्म हवा से। तो यहाँ पर जो हॉट एयर इस चैम्बर में आ रही है, इस चैम्बर, सेकंड चैम्बर, इस चैम्बर में जो हॉट एयर आ रही है ये ठंडी होगी। ये कैसे ठंडी होगी? इस पाइप से, ये जो स्पाइरल पाइप है, और इसमें क्या फ्लो किया जा रहा है? फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी इसके अंदर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इसमें फ्लो किया जा रहा है। और ये जो वाटर इस पाइप में फ्लो हो रहा है ये हीट एनर्जी कहाँ से लेगा? तो आंसर है हॉट एयर। इसके आसपास जो भी हॉट एयर है ये इससे एनर्जी लेगा, तो हॉट एयर की एनर्जी कम हो जाएगी, इसका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हॉट एयर यहाँ पर ठंडी होगी, ठंडी होकर के ये कोल्ड एयर, इसको पूरा लिखता हूँ मैं, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस तो हमने कर ही दिया था पहले, यहाँ से कंप्रेशन होगी तो आएगा, तभी तो गर्म हुई थी। तो दिस इज कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इस पाइप से ऐसा बाहर निकलेगी। जैसे ही बाहर निकलेगी तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सपेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा? एक्सपेंशन होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस, और हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? फिल्टर लगा रखा है। यहाँ पर क्या कर रखा है? फिल्टर लगा रखा है, एक फायर ब्रिज लगा रखा है। तो ड्राई एयर तो यहाँ पे फ्लो करेगी और एयर आगे की तरफ ऐसा क्या करेगी? फ्लो करेगी, अगली एयर आगे जा सकती है क्योंकि वो अभी भी गैस स्टेट है, क्योंकि वो अभी भी कौन सी स्टेट है? गैस स्टेट। तो पहला एक्सपेंशन यहाँ पर किया जाए, तीन जगह पर एक्सपेंशन हो रहा है। कंप्रेशन यहाँ पर हुआ, कंप्रेशन यहाँ पर हुआ, यहाँ आकर के देखिए ये पाइप इतना बड़ा था और आगे जाकर के इतना बड़ा हुआ। तो पहला एक्सपेंशन यहाँ पर, यहाँ जाकर कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के कारण कूलिंग होगी, तो हॉट एयर अपने आप ठंडी होगी यहाँ पर एक्सपेंशन होने के कारण। दूसरा, हम इसको और ठंडा करेंगे, इसके हेल्प से फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के, यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर फ्लो करेंगे, उसकी हेल्प से इसको और ठंडा करेंगे। तो यहाँ पर एक्सपेंशन के कारण भी एयर ठंडी हो रही है और फ्रीजिंग कोल्ड वाटर के कारण भी एयर को ठंडा किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से ये कोल्ड कंप्रेस्ड एयर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। दूसरा एक्सपेंशन क्या है? दूसरा एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ तो टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। इसके कारण से जो CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इस मिक्सचर में जो CO2 गैस थी वो सेपरेट कर दी, क्योंकि वो तो किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड में। सब्लिमेशन प्रोसेस के बाद में CO2 किस में कन्वर्ट होगी? सॉलिड में। तो ये सॉलिड CO2 हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, इसीलिए तो इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया सेपरेटर, बिकॉज इट इज सेपरेटिंग का थी, क्योंकि ये किसको सेपरेट कर रहा है? CO2 को सेपरेट कर रहा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये एयर आगे की तरफ बढ़ रही है, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर तीसरी की तीसरी एक्सटेंशन जेट का नाम ही एक्सटेंशन जेट होता है। ये पारी पारी आगे जाकर के यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? फिर से चैम्बर बढ़ा हुआ है। ये तीन पाइप होती है, बहुत ही लंबी पाइप होती है, 3 मिलीमीटर की एक्सटेंशन होती है। तो 3 मिलीमीटर की जो ये पाइप थी, इसको आगे जाकर के हमने फिर से क्या कर दिया? ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो ये तो काफी बड़ा चैम्बर, पाइप के कंपैरिजन में ये चैम्बर तो काफी बड़ा है। ये चैम्बर बड़ा है तो यहाँ पर भी एक्सटेंशन होगा। अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन हो रहा है वो यहाँ का टेम्परेचर कितना कर देगा? वो यहाँ का टेम्परेचर कर देगा -200 डिग्री। तो थर्ड एक्सटेंशन यहाँ पर हुआ। इस एक्सटेंशन के कारण एयर का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस चला गया। मैंने आपको बताया था कंप्रेशन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब कि टेंपरेचर वाइज होता है, तो एक्सपेंशन में टेंपरेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कंप्रेशन में टेंपरेचर इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन में टेंपरेचर डिक्रीज होगा। तो हम एक्सपेंशन तो कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो गैस जैसे यहाँ पर आती है यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने से यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस चला गया। -200 डिग्री सेल्सियस पर देखिए क्या मिल गया? लिक्विड। -200 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल चुका है? हमें मिल चुकी है लिक्विड एयर। अब लिक्विड एयर इसको हमने आगे ट्रांसफर किया, इसके अंदर फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम, ये हमारा है फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम। ये फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम है, देखिए इतना बड़ा कॉलम है। अब इसमें जब मैं इसको हीटअप करूंगा, गर्म करूंगा, तो सबसे पहले कौन सेपरेट होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन सेपरेट होगा, क्योंकि
नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? -196 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अलग अलग क्या लगा लेंगे, हीटर लगा लेंगे, फ्लास्क लगा लेंगे, जैसे कि ये फ्लास्क लगा रहा है, इसमें हमें क्या गेट करनी है, लिक्विड ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या गेट करनी है हमें, लिक्विड ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जब -183 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज्यादा होंगे, -184 पर होंगे, तो उस समय पर ऑक्सीजन को लिक्विड मिल जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन ये दोनों गैस में कन्वर्ट। अब फिर से सुनिए, टेम्परेचर है -200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये लिक्विड एयर, ये लिक्विड एयर है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है -200 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे मैंने इसको हीटअप किया, हीटअप करने पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। -200 से टेम्परेचर होगा -199, इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनिए, -199, -198, -197, -196। जैसे ही -196 होगा, नाइट्रोजन यहाँ से गैस में कन्वर्ट होगी और इस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगी और हम इसको क्या कर लेंगे, किसी ना किसी बीकर में इसको स्टोर कर लेंगे। तो जब मैंने इसको बॉइल किया -196 पर, सबसे पहले कौन अलग होगा, नाइट्रोजन सेपरेट होगी सबसे पहले, तो पहला फ्रैक्शन मिल गया नाइट्रोजन का। फिर और इसको हीटअप करूंगा तो टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा -186। तो जैसे ही -186 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पर क्या सेपरेट हो जाएगी, यहाँ पर आर्गन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने एक बीकर लगा रखा है, उसमें हमने आर्गन को कलेक्ट कर लिया। अब -186 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन तो किसमें रहेगी, ऑक्सीजन तो लिक्विड स्टेट में रहेगी, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, लिक्विड ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, लिक्विड ऑक्सीजन। तो इस तरह से सेपरेट किया जाता है एयर के कॉम्पोनेंट विद द हेल्प ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिर से सुन लीजिए दोबारा से, सबसे पहले एयर फिल्टर, जिससे वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा और एयर आगे की तरफ बढ़ेगी, जिसमें नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, CO2, ये चार गैसेज होंगी। फिर यहाँ पर कंप्रेशन किया जाएगा, दोनों तरफ पिस्टन लगे हुए हैं, गैस को जैसे ही कंप्रेस करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हॉट एयर गर्म हो जाएगी एयर। अब ये जो हॉट एयर है यहाँ आकर के एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो कूलिंग होगी थोड़ी बहुत, तो ये एयर ठंडी हो जाएगी। उसके बाद फिर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर भी हम यहाँ फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर और कम होगा। तो ये यहाँ पर जो हॉट एयर थी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कोल्ड होती जाएगी। तो ये कोल्ड कंप्रेस एयर हम यहाँ पर लेकर के आए, कोल्ड कंप्रेस एयर जैसे यहाँ लेकर के आएंगे तो यहाँ पर फिर से एक्सपेंशन होगा, ये दूसरा एक्सपेंशन। सेकेंड एक्सपेंशन के कारण यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। -100 डिग्री सेल्सियस पर कौन सेपरेट हो जाएगा, CO2 सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि CO2 किसमें बदल जाएगी, ड्राई आइस में सॉलिड बन जाएगी, इसको सेपरेट करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो ये पाइप ये यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आकर के बर्फ जम जाएगी, ड्राई आइस जम जाएगी, CO2 जम जाएगी सॉलिड फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर इसको -100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके सेपरेट कर लिया सॉलिड फॉर्म में। लेकिन एयर, बाकी के जो कॉम्पोनेंट्स है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, उनके बॉइलिंग पॉइंट तो और भी कम है, तो वो अभी भी एयर की वो अभी भी गैस स्टेट में। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये तीन गैसेज आगे बढ़ रही हैं। फिर तीसरा एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ, जहां पर एक्सपेंशन जेट लगा हुआ, तो एक्सपेंशन जेट के कारण यहाँ पर फिर से एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के कारण एयर कौन से स्टेट में आ गई, लिक्विड स्टेट, जिसमें कौन कौन से फ्रैक्शन है, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, तीन फ्रैक्शन है। तो तीनों फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में और टेम्परेचर कितना है, -200 डिग्री सेल्सियस। अब -200 डिग्री सेल्सियस पर तीनों लिक्विड है। सबसे पहले मैं हीटअप करूंगा तो -196 टेम्परेचर होते नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और हीटअप करेंगे -186 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर और हीटअप करेंगे -186 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों गैसेस को सेपरेट क्यों किया गया, क्योंकि हमें इसके यूज करने, क्या यूज करना है, ऑक्सीजन को हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, बर्निंग प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, कंबशन प्रोसेस होती है उनमें यूज करते हैं ऑक्सीजन को, और हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए ऑक्सीजन हमें चाहिए होगी, तो एयर से हम लोग ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं विद दिस प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस को सेपरेट इसलिए किया गया क्योंकि नाइट्रोजन से हम लोग नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं, नाइट्रोजन को यूज किया जाता है कुछ फर्टिलाइजर्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में भी नाइट्रोजन का यूज होता है, ठीक है। और आर्गन,
आर्गन गैस को हम लोग चिल करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, फिलामेंट वाला बल्ब होता है ना जिसमें फिलामेंट लगा होता है, इस तरह का बल्ब होता है, यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है इस तरह से, और इसके ऊपर एक ग्लास की कैप लगी होती है, ग्लास कवर लगा होता है। तो ये था ग्लास कवर, ये एक बल्ब है। अब इस बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, इसमें आर्गन गैस भरी होती है। तो बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरने के लिए हमें आर्गन की होगी, वो हमें कहां से मिलेगी, वो हमें कहां से मिलेगी, एयर, एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करके नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन तीनों को गेट किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया, गैसेस को सेपरेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को, दैट इज फिल्टरेशन। तो फिल्टर कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ा भी था पहले क्लास में, लेकिन फिर से मैं आपको ये पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा फिल्टरेशन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।